कांग्रेस ने महंगाई को के बैरोमीटर को नापा, हम ही हैं पूरे नेशनल लेवल पर एक ही पार्टी है जो सबसे ज़्यादा महंगाई की खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। हर सतह पर हमने इसका मुकाबला किया है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबरान पार्लियामेंट ने निकल करके गिरफ्तारियां भी दी हैं और दूसरी पार्टियों ने भी हमको ताउन किया है। इस यात्रा को जो कि 4 तारीख को हो चुकी है, उसकी रिपोर्टिंग आज के तमाम अखबारों में आपने देख भी ली होगी और राहुल गांधी जी ने उसके अंदर जो ख़ास बातें कही वो भी आपको बता दें कि बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को सोशली बांटने की कोशिश की जा रही है और उससे बुनियादी तौर पर हर चीज़ को नुकसान पहुंच रहा है। उससे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच रहा है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उन सबको नुकसान पहुंच रहा है। मैं जिस प्रोग्राम के तहत यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 7 सितंबर को शुरू होने जा रही है, यानी परसों, और ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक आएगी। इसका फासला 3,500 किलोमीटर है और तकरीबन 150 दिन ये यात्रा चलेगी। और इसमें मैं ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की वाहिद यात्रा है जो इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, पहली बार हो रही है। वैसे तो बहुत से लोगों ने बाई यात्राएं की हैं लेकिन वो पैदल यात्रा नहीं थी। इसमें एक कदम भी किसी गाड़ी में या किसी सवारी पर सवार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग चलेंगे वो शुरू से लेकर आखिर तक पैदल ही चलते रहेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। इसकी तफसील मैं आपको ज़रा सा बताऊँगा, उससे पहले इसका मकसद ज़रूर बताना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर क्यों ये यात्रा की जा रही है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक है इकोनॉमी का जिस तरह से बर्बादी हुई है देश के अंदर, और हर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो टूट रहा है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं या बनावटी आंकड़े दे करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देश बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरफ चल रहा है। लेकिन एक आम आदमी इकोनॉमी को सिर्फ एक चीज़ से नापता है, तेल पेट्रोल गैस डीजल इसके दामों से और उसके नतीजे में बढ़ने वाली महंगाई से। और ये महंगाई सिर्फ खाली तेल डीजल गैस इसकी वजह से नहीं हो रहा, एज ए होल इस वक्त लूट मची हुई है मार्केट के अंदर। कुछ नहीं पता है, हर चीज़ के दाम, आप 4 रोज़ के बाद जाइए, 15 दिन के बाद चाहिए, हर चीज़ के दाम खुद ब खुद बढ़ते चले जा रहे हैं।